कोरबा के बालको नगर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी एक महिला ठेकेदार से एक युवक ने की मारपीट। पीड़ित महिला ने पुलिस से की शिकायत। मोहल्ले में ही रहने वाले कुसुम मुर्मू नामक युवक पहले तो महिला के घर में घुसने का प्रयास किया। विरोध करने पर महिला को घसीटकर मारपीट कर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने बालको नगर थाना में लिखित शिकायत दी है, लेकिन इस मामले में महिला के अनुसार उसकी शिकायत पर अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया। उसका कहना है कि पुलिस ने बताया कि जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी। महिला ने मांग की है कि यदि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मानसिक अस्पताल भेजा जाए और यदि उसकी हालत ठीक है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी युवक के खिलाफ थाना में शिकायत की गई थी। सर, कल मैं शाम को अपना गेट बंद करके अंदर में सो रही थी, मोबाइल देख रही थी कि मेरे दरवाजे को तोड़ने का आवाज़ आया, हिला रहा था। मेरे घर का पड़ोसी है जो मुंडा मुंडा बोलते हैं वो, तो फिर मेरा बेटा बोला मम्मी कोई दरवाजे को खटखटा रहा है देख मुंडा। मैं बोली, फिर गई मैं बोली क्यों मेरा दरवाज़ा को खटखटा रहा है, क्यों तोड़ रहा है, तेरा इतनी हिम्मत तो बोलता है। फिर गंदे गंदे गाली देने लगा, तो पुलिस को बुलाना है तो बुला ले ऐसे करके। फिर मैं 112 को फ़ोन की, 112 को फ़ोन की तो बहुत टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए, जब नहीं आ रहा था 112 तो मैं घर ताला खोल के घर से बाहर निकली, तो वो मेरे को पकड़ के मेरा गला और गला को पकड़ के, तो मैं उसको काटी हूँ हाथ को, तो मेरे पैर को पकड़ के पूरा घिसला दिया रास्ते पे, तो मेरा पैर मेरा पीठ हाथ में पूरा चोट लगा हुआ है। और मैं थाना आई हूँ तो कल मुलायजा करवाई हूँ थाना में, लेकिन अभी मैं FIR का एक पर्ची मंग रही हूँ, तो बोल रहे हैं अभी FIR नहीं हुआ है ऐसे, तो नहीं जानती हूँ, वो बोल रहे हैं कि अभी उसको लाएंगे या नहीं पता मुझे, अभी पहले छानबीन करेंगे फिर FIR। जब पति अभी बाहर है तो, और मेरा छोटा बच्चा, मैं कितना साल का बच्चा है, 3.5 साल का एक छोटा बच्चा है और एक 10 से 12 साल का। और भी कई बार FIR मेरे से ऐसा और भी कर चुका है वो, मैं उसके खिलाफ और भी करवा चुका हूँ, यहाँ ला के शिकायत की हूँ। और 2 हफ्ते बाद वो मेरे घर के पास पहले भी ऐसी कर रहा था, तो मैं थाना में सूचना दी, सर को कॉल की थी, यही सर को तो भेजे थे पेट्रोलिंग गाड़ी, फिर उस समय तो कुछ नहीं किया। और जब हादसा नहीं होता है तो आदमी ध्यान भी नहीं देता है, मैं भी ध्यान नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।